नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कैसे मॉर्निंग में पोस्ट ऑफिस का सेट ओपन करते हैं। वो सेट ओपन करने के बाद में कैसे हम लोग जो पोस्ट ऑफिस में बैग आए हुए होते हैं उन बैग्स को कैसे रिसीव करते हैं, तो वो प्रोसेस हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए बैग रिसीविंग के और सेट ओपन के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे सैप लोगोन का आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद ईसीपी करके दिखा होगा सेकंड में, तो वहाँ से सैप ईसीपी को आपने डबल क्लिक करके लॉगिन कर लेना है वहाँ से। तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने डालने हैं। तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आपके पास ये मेन स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको डीओपी मेन स्क्रीन में जाना है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ डीओपी मेन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये राइट हैंड साइड ह्यूमन रिसोर्स में आपको स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम दिखेगा। स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके इधर देखिए ऑफिस सेट ओपन, सबसे पहले मेल ऑफिस और उसके बाद पोस्ट ऑफिस दिखेगा। तो आपको पोस्ट ऑफिस पर क्लिक कर देना है। पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में ऑफिस सेट ओपन की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। तो वहाँ पे ऑफिस टाइप में आपको पीओ दिखेगा, सब पोस्ट ऑफिस, ऑफिस की आईडी, सेट नंबर GEN2 और जो स्टार्ट की डेट होगी यानी कि जिस डेट को आप सेट ओपन करना है वो रहेगी। एंटर पे क्लिक कर देना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद में एक्सपेक्टेड बैग्स आपके नीचे दिखेंगे, उसके साइड में आपको शिफ्ट ओपन रखेगा, तो शिफ्ट ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही शिफ्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मैसेज देगा कि POS से अभी शिफ्ट ओपन नहीं हुई है। अगर आपको शिफ्ट ओपन करनी है तो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। तो शिफ्ट ओपन पे यस करने के लिए आपको तो यस पे बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिमार्क्स आ जाएगा। एंटर रिमार्क्स में आपको रिमार्क्स एंटर कर देना है, या तो आप ओके लिख सकते हैं या शिफ्ट ओपन लिख सकते हैं, या आप कोई भी रिमार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। वो रिमार्क्स यहाँ पे लिखने के बाद में दोस्तों आपको नीचे ओके का बटन दिख रहा होगा, ओके के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो आप एंटर प्रेस भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो मैसेज आ जाएगा शिफ्ट हैज़ बिन ओपन सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपको दोस्तों मेन स्क्रीन पे जाना है दोबारा से /N और DPMS आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। DPMS पे क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे अकाउंटेबल मेल इंडिविजुअल में आपको दिखेंगे बैग रिसीव ओपन इशू टू पोस्टमैन, यहाँ पे पोस्टमैन रिटर्न। तो आपको अभी बैग रिसीव करने हैं, तो बैग रिसीव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बैग रिसीव का ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे आपको बैग रिसीव पे क्लिक कर देना है। तो बैग रिसीव पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने आएगी, वहाँ पे फैच का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ फैच पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफिस आईडी के नीचे फैच रहेगा, उसके बाद दोस्तों नीचे वहाँ पे आपको बैग आईडी का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको आपके ऑफिस में जो भी बैग्स आए होंगे उन पे बैग लेबल रहेगा, वो बैग लेबल आपको स्कैन कर देना है। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में वो ऑटोमेटिक स्कैंड बैग्स में आ जाएगा। पहले वो फ़िलहाल एक्सपेक्टेड बैग्स में इधर वाली साइड में होगा, लेफ़्ट वाली साइड में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यानी कि बैग आईडी में वो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में वो स्कैंड बैग में राइट आपकी राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर किसी बैग लेबल में वो स्कैन नहीं होता है आपसे तो बैग लेबल के ऊपर बैग का नंबर लिखा होगा, वो बैग आईडी आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से। एंटर करने के बाद में वो जैसे आप वहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक एक करके बैग उसको स्कैन करते जाना है, जितने भी आपके ऑफिस में बैग आए होंगे तो वो सारे एक्सपेक्टेड बैग से स्कैन बैग में आ जाएंगे। वो टोटल स्कैन करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे टोटल स्कैन हो जाएगा, तो चलिए दिखाते हैं, पहले एक बार स्कैन कर लेते हैं सारे बैग्स को। ऐसे हर एक बैग लेबल को आपको स्कैन करना है। जैसे ही बैग लेबल को स्कैन करते जाएंगे आपके सारे बैग स्कैन बैग में आ जाएंगे।
तो ऐसे ही एक एक करके सभी को स्कैन कर लेना है। तो जब दोस्तों सारे बैग्स को आप स्कैन कर लेंगे, सारे बैग लेवल को, तो आपको इसको स्क्रीन पे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करके आपको इसके पेज पे नीचे जाना है और रिसीव का ऑप्शन दिखेगा, रिसीव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पे दिखाएगा टोटल जितने भी बैग्स आपने रिसीव किए होंगे। देखिए टोटल 15 बैग्स रिसीव्ड हैं। उसके बाद नीचे ओके पे क्लिक कर देना है आपको, तो आपके टोटल जो भी 15 बैग्स थे सारे के सारे बैग्स रिसीव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑफिस का सेट ओपन कर सकते हैं DOP मेन स्क्रीन में जाके, और अपना जितने भी बैग्स आपके पास आए होंगे उन सबको DPMS में बैग रिसीव में जाके रिसीव कर सकते हैं। इन बैग्स को रिसीव करने के बाद कैसे ओपन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।